कांग्रेसियों का लगातार विरोध जारी है। वहीं शिवराज आने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार कोविड 19 के कारण नहीं हो पा रहा था, यही बार बार मंत्रिमंडल विस्तार टल रहा था। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है तो कांग्रेसियों ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज ने चोरी की सरकार बनाने के 100 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया और अब जाकर मंत्रिमंडल विस्तार किया है और उसमें भी भाजपा के उन विधायकों की अनदेखी की जा रही है जो कि कई बार विधायक रह चुके। ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है जो कि जनता द्वारा किए गए भरोसे को तोड़कर बिककर भाजपा में शामिल हुए। यह मंत्रिमंडल बीरबल की खिचड़ी की तरह है जो कभी नहीं पक सकती और ना ही कोई खा सकता। इसमें जैसे अकबर राजा को मुंह की खानी पड़ी थी, वैसे शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुंह की खानी पड़ेगी। माफियों के खिलाफ शुद्ध का युद्ध लड़ने वाली कमलनाथ सरकार को पद पैसे के लालच में गिराने वाले सभी 22 विधायकों के लिए ये मंत्रिमंडल मुंगेरी लाल का हसीन साबित। माफियों के खिलाफ शुद्ध का युद्ध लड़ने वाली कमलनाथ सरकार को पद पैसे के लालच में गिराने वाले सभी 22 विधायकों के लिए ये मंत्रिमंडल मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे, क्योंकि इस मंत्रिमंडल में खिचड़ी में डालने वाले चावल अलग, दाल अलग, मसाले अलग हैं। चोरी की सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस द्वारा शिवराज मंत्रिमंडल बीरबल की खिचड़ी बन अनोखा प्रदर्शन किया और बताया कि किस तरह भाजपा ने अंदरूनी लड़ाई के बाद बनने वाले मंत्रिमंडल की खिचड़ी का स्वाद जो कि पकी ही नहीं है भाजपा के लिए बहुत पेट दुखाने वाला रहेगा। ये भानुमति का कुंभा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने बहुमत कांग्रेस को दिया था, मगर आज से 20 मार्च को जिस तरह से सरकार गिराई गई शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिराज सिंधिया और उनके 22 समर्थक विधायकों द्वारा, उसके बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार 100 दिन तक नहीं हुआ। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 100 दिन तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। तो ये बीरबल की खिचड़ी की तरह है, जो खिचड़ी कभी पकेगी नहीं, और अगर खिचड़ी पक भी जाएगी तो आप निश्चित रूप से मानिए कि इस खिचड़ी के अंदर उबाल नहीं आ पाएगा और खिचड़ी कच्ची रह जाएगी। और जिस इस खिचड़ी के अंदर जो मंत्रिमंडल के अंदर जो सदस्य डाले जाएंगे चावल, दाल, नमक, मिर्ची की तरह, उनमें बेस्वाद हो जाएंगे और बाकी जो लोगों को उनमें नहीं डाला जाएगा तो ये सरकार निश्चित रूप से वापस गिर जाएगी। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।